बिस्मिल्लाह रहीम टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज विनियन ऑफ हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स प्रीवियस वीडियो में हमने नॉर्मल हीमोस्टेसिस का मैकेनिज्म देखा था जिसमें नंबर वन वेजो कंस्ट्रक्शन नंबर टू प्राइमरी हीमोस्टेसिस नंबर थ्री सेकेंडरी हीमोस्टेसिस नंबर फोर थ्रोम्बस एंड एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट्स अब इस वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि हीमोस्टेसिस के अंदर प्लेटलेट्स का क्या रोल होगा क्लॉटिंग फैक्टर्स का क्या रोल होगा और एंडोथेलियम का क्या रोल होगा लेकिन इस वीडियो में सिर्फ प्लेटलेट्स काम पड़ेगी कि किस तरह से प्लेटलेट्स प्राइमरी हीमोस्टेसिस के अंदर पार्ट लेते होते हैं जबकि सेकेंडरी हिमोस्टेसिस के अंदर कॉर्गुलेशन कैसकेट कॉर्गुलेशन फैक्टर्स या क्लॉटिंग फैक्टर्स आ जाएगी जबकि थ्रोम्बस और एंटी थ्रोमोटिकलियम के फैक्टर आ जाएगा प्लेटलेट की बात करते हैं तो प्लेटलेट का फंक्शन क्या होता है प्लेटलेट का फंक्शन यह होता है कि प्लेटलेट प्लग बनाना वो प्लेटलेट प्लग वेजो कंस्ट्रक्शन के बाद बनता है और इसका मेन फंक्शन किया है कि जो इनिशियल वैस्कुलर डिफेक्ट है उसको सील कर देना जब ये इनिशियल वेस्कुलर डिफेक्ट को सील कर देगा तो ब्लीडिंग के चांसेस कम से कम हो गए तो पहला फंक्शन क्या है प्लेटलेट प्लग बनाना जो कि डिफेक्ट को कवर कर लेता है दूसरा हीमोस्टेसिस के अंदर किस तरह से पार्ट करता है कि पहले प्लेटलेट प्लग बनता है फिर इसी प्लेटलेट प्लग के ऊपर जहां पे प्लेटलेट प्लग बना हुआ होता है इसी के ऊपर फिब्रीन या दूसरे क्लॉटिंग फैक्टर्स डेपोजिट होना शुरू हो जाता है तो पहला फंक्शन क्या हो गया वेस्कुलर डिफेक्ट को कवर कर देना दूसरा फंक्शन है कि फिब्रीन की डिपोजिशन करवा देना प्लेटलेट्स होते क्या प्लेटलेट असल में क्या है हमारे ये ब्लड सेल होते हैं लेकिन ऐसे ब्लड सेल है जिनकी शेप डिस्क शेप होती है और ये ए न्यूक्लिएट होते हैं जिस तरह आरपीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता इनके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता ये बोन मारो में कुछ स्पेशलाइज स्टेम सेल्स होते हैं जिनको जिनसे बनते हैं मैगा कैरियोसाइट उन मैगा कैरियोसाइट की शेडिंग से बनते हैं प्लेटलेट जो कि डिस्क शेप ए न्यूक्लिएट सेल्स होते हैं ठीक है अगर आप इस डायग्राम में देखा तो आपको नजर आ रहा होगा कि आप प्लेटलेट ने अपनी शेप चेंज कर ली है तो ये डिस्क शेप होते हैं और मैगा कैरियर साइड से बनते हैं तो कहते हैं कि जो प्लेटलेट का जो फंक्शन होता है क्या फंक्शन था एडियन एक्टिवेशन रिकरेंटमेंट एग्रीगेशन एग्रीगेशन के बाद प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लग बनता है तो प्लेटलेट के फंक्शंस होते हैं वो इनके कुछ ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं दूसरी चीज साइटोस्केलेटन इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं इसके बाद जो तीसरी चीज है वो है साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल तो तीन चीजों के ऊपर प्लेटलेट के फंक्शन डिपेंडेंट होते हैं पहला फंक्शन इनके ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर इनके फंक्शन देखते हैं दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल साइटोस्केलेटन जो शेप चेंजेस प्रोवाइड करेगा तीसरा साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स जो यहाँ पे रिलीज होते थे एक्टिवेशन में ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्मिक प्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स दो तरह के होते हैं अल्फा और बी और डेल्टा अल्फा ग्रेन्यूल के अंदर एक मालिक्यूल्स होता है इनकी मेम्ब्रेन के ऊपर क्या पड़ा हुआ होता है एडियन मालिक्यूल्स होता है कौन सा पी पी सेलेक्टिन से प्लेटलेट जबकि इसके अलावा दूसरी प्रोटीन्स भी होती है जो मालिक्यूलेशन के अंदर पार्ट लेती है पार्टिसिपेट करती है जिसमें फिब्रीनोजन हो गया कॉगुलेशन फैक्टर फाइव फिब्रीनोजन को आप कह सकते हो 1, फैक्टर वन ठीक है फिब्रीनोजन को फैक्टर टू का नाम थ्रोम्बिन फैक्टर थ्री का नाम टिश्यू फैक्टर और फैक्टर फोर का नाम कैल्सियम है फिब्रीनोजेन कॉगुलशन फैक्टर नंबर फाइव वॉन विलिब्रेंट फैक्टर उसके साथ कुछ ऐसी प्रोटीन्स भी होती है अल्फा ग्रैन्यूल्स के अंदर जो वूड की हीलिंग करवाती है जिसमें फाइब्रोन एक्टिन है प्लेटिलइट फैक्टर फोर जिसको हैपनिन बाइंडिंग कीमोकाइन प्लेटिलइट डिराइव ग्रोथ फैक्टर या ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा ये सारे ग्रोथ फैक्टर जो वूंड की हीलिंग करवाते होते हैं वूड की हीलिंग भी करवाना कागुलेशन में प्रोटीन्स भी होते हैं फिब्रीनो जैन फैक्टर फाइव और वॉन विलिब्रेंट फैक्टर वाली कुछ प्रोटीन्स थी और पी सिलेक्टेंस भी थे इन्फ्लेमेशन वाली दूसरे ग्रैन्यूल्स होते हैं डेल्टा ग्रैन्यूल डेल्टा ग्रैन्यूल के अंदर ए पी ए टी पी आयोनाइज कैल्शियम सिरोटिनिन एपीनेफिन होता है अब हम देख लेते हैं इनके फंक्शंस को सबसे पहले आपने वैस्कुलर इंजरी करवानी है ट्रोमेटिक वेस्कुलर इंजरी या किसी केमिकल के वजह से वैसल से इंजर्ड हुई है तो वैसल की इंजरी के बाद वेसोकॉन्स्ट्रक्शन होगी वेस्ट्रक्शन के बाद प्लेटलेट का फंक्शन स्टार्ट होता है किस तरह से कि जब एंडोथीरियल इंजरी होती है तो सब एंडोथीरियल कनेक्टिव टिश्यू अगर आप यहां से देखो कि ये एंडोथीलियम है इसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होगा सब एंडोथी कनेक्टिव टिश्यू एक्सपोज हो जाएगा अब उस सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कॉलेजन और वॉन विलिब्रेंट फैक्टर है आपने ये बात याद रखनी है कि वॉन विलिब्रेंट रिसेप्टर सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी है और प्लेटलेट के अल्फा ग्रैन्यूल्स में भी है दोनों जगह पे है लेकिन यहाँ पे जिस वॉन विलेबरन फैक्टर की बात कर रहा हूँ वो सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू की ठीक है वहाँ पे मौजूद है अब प्लेटलेट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो हम यहाँ से देख लेते हैं पहला फंक्शन है प्लेटलेट की एडहीन एडहीन क्या मतलब कि एक सेल दूसरे सरफेस के ऊपर या दूसरे सेल पे जाके अटैच हो गया दूसरा सेल उस पहले वाले सेल जैसा ना हो किसी दीवार के ऊपर किसी चीज का चिपक जाना उसको बोलते हैं एडहीयन अब यहाँ पे दीवार एंडोथेलियम है और जो चीज चिपक रही है वो है प्लेटलेट अब एडहीजन है एडहीयन कराने वाले जो कुछ स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं ठीक है जिनको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर अगर आप ये देखो ये प्लेटलेट प्लेटलेट के ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे जीपी ग्लाइकोप्रोटीन ठीक है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन वन बी रिसेप्टर जीपी वन बी ये बाइंड करते हैं वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ और वॉन विलिब्रेंट फैक्टर सब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मौजूद होते हैं अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए किसकी डेफिशिएंसी हो जाए ग्लाइकोप्रोटीन वन बी की ठीक है तो फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाएगा वी वन बी की डेफिशिएंसी को बोलते हैं हम बर्नार्ड सोलियोर सिंड्रोम क्या बोलते हैं बर्नियर बर्नार्ड सिंड्रोम और अगर वॉन विलिब्रेंट फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको बोलते हैं वॉन विलिब्रेंट डिजीज इसके साथ दूसरी ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होती है ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन वन यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको ये टू बी थ्री है टू बी थ्री है ये भी नजर आ रहा होगा अब ये वो प्रोटीन्स हैं जिनके जरिए ये किसी और के साथ अटैच होता है जैसे जो जीपी वाली है हमारी कौन सी है जो जीपी वन ए टू ए वाली है ये बाइंड करती कोलेजन के, साथ, साथ के तो क्रॉस लिंक्स देखने को मिलते हैं को को कोलेजन के साथ तो इसके साथ अगर इसकी डेफिशिये टू बी और थ्री ए की ठीक है तो उसको क्या बोलते हैं डेफिशिएंसी को बोलते हैं ग्लान्समेन थाम्बस्थीमिया ये तो हमने पढ़ना है एग्रीगेशन में क्योंकि जो जीपी टू बी और थ्री ए होता है ये फिब्रीन के साथ बाइंड करता होता है जबकि वन ए और टू ए ये बाइंड करता होता है कोलेजन के साथ, लेकिन जो 2B, 3A वाला है ये ये असल में में करता है, उसके साथ एक होगा, उसके साथ साथ एक होगा, होगा, हमने में पढ़ना है और इसकी डेफिशंसी को ग्लाइंसमैन थ्राम बोलते हैं तो पहला फंक्शन क्या होगी एडियन एडियन किस तरह से होती है प्लेटलेट के ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर वन बी का वनिब्रेंट फैक्टर

जिसके सरफेस प्रोजेक्शन काफी ज्यादा होती है उन प्रोजेक्शन का मेन फंक्शन है सरफेस एरिया को बढ़ा देना ताकि मजीद प्लेट आके जाके बाइंड करना शुरू कर दे ठीक हो गया और इसके साथ फिर क्या होगा इसके बाद फिर शेप की चेंज होने के बाद आपको उसके सेल के सरफेस के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन है उनमें कन्फर्मेशनल चेंज होती है एडहीजन से पहले शेप चेंज होने से पहले टू बी और थ्री ए मौजूद थे लेकिन उनकी फेबिनोजेनिक के लिए एफिनिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है लेकिन जैसे ही उनकी शेप चेंज होती है तो फिर जी पी टू ए और थ्री ए टू और 3a में कन्फर्मेशनल चेंज आती है जिसकी वजह से फेबिनोजेनिक के लिए एफिनिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है दूसरी कन्फर्मेशनल चेंज होती है कि जो नेगेटिवली चार्ज लिपिड होते हैं जिसमें फोर्स टाइडल सिलीन आता है वो प्लेटलेट के सर्फिस के ऊपर आ जाता है तो दो चेंजेस हुई है कन्फर्मेशनल पहली जी टू बी थ्री ए की एफिनिटी बढ़ जाना किसके लिए फिग्रीनोजन के लिए और दूसरा काम जो होना था वो ये था कि जैसे अगर आप यहाँ से देखो ये ये मोनोमर्स ये टैच के को एग्रीगेशन के लिए दूसरा काम होना है फोर्सल का सरफेस के ऊपर आ जाना ये फोर्साइडल मालिक्यूल नेगेटिवली चार्ज है ये कैल्शियम को बाइंड करते है कैल्शियम को बाइंड करते हैं और ये न्यूक्लिएशन साइट के तौर पे काम आती है किसके लिए फॉर द असेंबली ऑफ कॉगुलेशन फैक्टर कॉम्प्लेक्स आगे मजीद कॉगुलेशन फैक्टर्स हो गए ना तो वो उनके साथ अटैचमेंट प्रोवाइड करने के लिए आते हैं, ये हमने यहाँ पर कवर करना है कॉगुलेशन कैस्केड वाले वीडियो के अंदर हमने कवर करना है तो पहली दूसरी शेप का चेंज होना इसके बाद नंबर थ्री होगा ग्रेन्यूल्स रिलीज होना जो ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसको आप रिलीज रिएक्शन बोलते हैं तो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो शेप की चेंज के बाद रिलीज होना शुरू हो जाते हैं ठीक हो गया का रिलीज और इससे पहले शेप का चेंज इन दोनों को मिला के एक्टिवेशन बोलते हैं अब प्लेटलेट की एक्टिवेशन को मजीद ट्रिगर्ड करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं कि कुछ कोगलेन फैक्टर थ्रोम्बिन होता है और एडीपी होता है थ्रोम्बिन और एडीपी ये प्लेटलेट की एक्टिवेशन को और एक्टिवेशन में शेप का चेंज होना और ग्रेन्यूल का रिलीज होना तो पहला है फैक्टर है थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन किस तरह से एक्टिवेशन करवाता है थ्रोम्बिन करता क्या है थ्रोमबिन प्लेटिलेट को एक्टिवेट करता है वाया जी प्रोटीन कपल डिसेप्टर जिसको बोलते हैं प्रोटीज एक्टिवेटेड डिसेप्टर अगर आप यहाँ पे देखो तो थ्रोम्बिन के फंक्शन को अगर आप देखो तो थ्रोम्बिन एक तरह से प्लेटिलेट की एग्रीगेशन को भी बढ़ा रहा है तो किस तरह से बढ़ाता है थ्रोम्बिन असल में प्लेटिलेट के ऊपर जी प्रोटीन कपल डिसेप्टर होते हैं जिनको बोलते हैं प्रोटीज एक्टिवेटेड डिसेप्टर वन पार वन पार वन ठीक है पार वन अब होता क्या है कि पार वन पर जाके बाइंड करता तो है प्लेटलेट की एग्रीगेशन को बढ़ा देता है दूसरा जो कंपोनेंट जिसने एक्टिवेशन को बढ़ाना था वो है एडीपी और एडीपी डेंस ग्रेन्यूल्स के अंदर होता है डेंस बॉडी ग्रेन्यूल्स के अंदर होता है ठीक हो गया प्लेटलेट की एक्टिवेशन को तो इस तरह से आपको एक बात समझ आ रही हो कि जो ए है ये मजीद पॉजिटिव फीडबैक साइकिल चला रहा है किस तरह से कि एक प्लेटलेट एक्टिवेट हुआ तो उसने प्रोड्यूस किया ए और ए ने वापस प्लेटलेट की एक्टिवेशन करवाना शुरू कर दिया ठीक है एडिशनल एक्टिवेशन कराना शुरू कर दिया ठीक है तो इसको बोलते हैं इस फिनोमिना को बोलते हैं रिकरेंटमेंट क्या बोलते हैं रिकरेंटमेंट ठीक है, है? जिसने मजीद प्लेटलेट को जो आ रहे थे जो जिन्होंने सिर्फ की थी उनकी भी एक्टिवेशन करवाना शुरू कर दी तो उसको बोलते हैं रिकरेंटमेंट ए डीपी किस तरह से जाके काम करता है एडीपी भी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पर जाके बाइंड करता है जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर थ्रोम्बिन के लिए थे वो थे पार वन लेकिन जो एडीपी के लिए होगा पी टू वाई वन और पीटी पीटी वाई ट्वेल्व ये दोनों होते हैं ठीक है इसके साथ साथ कुछ प्लेटलेट्स प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोमोक्सेन भी प्रोड्यूस करते हैं टी एक्स ए टू ये भी प्लेटलेट की एग्रीगेशन को बढ़ा देता होता है प्लेटलेट की एग्रीगेशन को बढ़ा देता है अब इस तरह इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि थ्रोबॉक्सिन ए टू बढ़ाता है इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर हम ऐसी ड्रग्स इस्तेमाल करें थ्रोमॉक्सिन ए टू के सेंथिसिस को ब्लॉक कर दे जो एंटी प्लेटलेट एक्टिवेशन प्रोवाइड करे या एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी हो जिसमें एस्पिरिन आती है तो ये इस्तेमाल होता है किसके अंदर हार्ट अटैक के पेशेंट के अंदर इस्तेमाल होता है ठीक है जो एस्पिरिन होती है प्लेटलेट की एग्रीगेशन को ब्लॉक कर देती है और ये माइल्ड ब्लीडिंग डिफेक्ट करवा देती है एस्पिरिन काम करती है साइकिल ऑक्सीजनियस इंसाइन को ब्लॉक करते हुए ठीक हो गया अब लास्ट स्टेप है प्लेटलेट की एग्रीगेशन एक्टिवेशन की बात होगी एग्रीगेशन जो मजीद प्लेटलेट की रिकरेंटमेंट हो रही थी तो वो आपस में पहले से मौजूद एक्टिवेटेड प्लेटलेट के साथ चिपक जाएगी इस स्टेप को बोलती है एग्रीगेशन ये किस तरह से होता है एग्रीगेशन के लिए जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं जी पी टू बी और थ्री ए ये होता किस तरह से है कि जब शेप की चेंज हो हो रहा था, एक्टिवेशन रही थी, तो फिर इस रिसेप्टर की एफिनिटी काफी बढ़ गई थी तो बाइंड कर लेना है, और क्या है? मजीद के का का काम करेगी दो प्लेटलेट के दरमियान ब्रिज वाला काम करेगी क्रॉस लिंकिंग प्रोवाइड करेगी जिसकी वजह से प्लेटलेट की एग्रिगेशन होगी अगर जीपी टू बी और थ्री ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है जिसको बोलती है ग्लैंडमैन थर्म्बस थीनिया थी थी इनिशियली जो एग्रीगेशन हो रही थी, वो रिवर्सिबल लेकिन एक मरतबा थ्रोम्बिन की अगर एक्टिवेशन होगी ना तो थ्रोम्बिन मजीद प्लेटलेट की एक्टिवेशन करवा देता है एग्रीगेशन करवा देता है तो वो प्लेटलेट की क्या करवा देता है उसको इन बना देता है ठीक है मतलब पहले आप इसको रिवर्स कर सकते थे लेकिन इसके बाद रिवर्स नहीं हो सकती जब थ्रॉमबिन ले आना शुरू हो जाएगा फिर इसके बाद प्लेटलेट की एग्रीगेशन के बाद आपको रिट्रैक्शन देखने को मिलेगी या कॉन्ट्रैक्शन को भी देखने को मिलेगी अब जो प्लेटलेट की कॉन्ट्रैक्शन है वो साइटोस्केलेटन के ऊपर क्योंकि सिर्फ साइटोस्केलेटन का फंक्शन रह गया था वैसे साइटोस्केलेटन शेप को चेंज करता होता है दूसरा फंक्शन है प्लेटलेट की कॉन्ट्रैक्शन तो वो किस पर डिपेंडेंट होती है साइटोस्केलेटन के ऊपर और वो मजीद एग्रीगेटेड प्लेटलेट को कंसोलीडेट कर देती है स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है इसके साथ साथ जो थ्रॉमबिन है पैरेलल काम कर रहा है एक तरफ से प्राइमरी हिमोस्टेसिस दूसरी तरफ सेकेंडरी हिमोस्टेसिस दूसरी तरफ थ्रोम्बिन फिब्रीनोजन को फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट करा रहा है जो कि किन इन सालोबल है जो मजदीद प्लेटलेट को सीमेंट प्रोवाइड करेगा और दूसरी तरफ सेकेंडरी हीमोस्टेसिस प्रोवाइड करेगा ठीक है अब इस प्लग के अंदर या इंट्राप हो सकती है। इंट्राप हो जो एक्टिवेटेड एक्सप्रेस हो रहा था इनकी मेम्ब्रेन के ऊपर पी सेलेक्टिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो ल्यूकोसाइट के ऊपर पड़े हुए होते हैं तो ल्यूकोसाइट पी सेक्टिन के ऊपर होना शुरू हो जाएगी और ये पी सिलेक्टिन आपको कहां देखने को मिलती है अल्फा ग्रेन्यूल्स के अंदर तो ये हमने पढ़ लिया प्लेटलेट के फंक्शंस तो किस तरह से उसको रिवाइज करते हैं एंडोथीरियल इंजरी हुई जिसकी वजह से सब एंडोथीरियल कनेक्टेड टिश्यू एक्सपोज हुआ प्लेटलेट ई के साथ एडियर हो गया थ्रू द जी पी वन बी टू विलिब्रेंट फैक्टर एडियन के बाद प्लेटलेट की एक्टिवेशन होती है एक्टिवेशन में आपको प्लेटलेट के गिरानी की रिलीज देखने को मिलती है सिक्रेशन देखने को मिलती है को कैल्शियम कैल्शियम के को फैक्टर के तौर पे काम आता है रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देता है एडीपी प्लेटलेट की एक्टिवेशन को प्रमोट करता है एग्रीगेशन रिकरेंटमेंट को बढ़ा देता है इसके साथ शेप में चेंजेस आते हैं मेब्रियन की कंपोजिशन में फोसविटाडल सीरिन बाहर की तरफ आ जाता है कैल्शियम के साथ बाइंड करने में चिलेशन या तो चिलीटर के तौर पर काम आता है इसके साथ जी पी टू बी और थ्री ए की कन्फर्मेशन एक्टिवेशन होती है जिसके वजह से एग्रीगेशन होगी जी पी टू बी और थ्री ए रिसेप्टर्स एग्रीगेशन प्रोवाइड करते हैं क्योंकि फिब्रीनोजन के साथ क्रॉस लिंकिंग करते हैं ठीक हो गया और इसके साथ एक तरफ से प्लेटिलेट होमियोस्टा चाहिए होमियोस्टेसिस नहीं हीमोस्टेसिस दूसरी तरफ सेकेंडरी हीमोस्टेसिस चल जैसे बनेगा ब्लॉक प्लग को सीमेंट प्रोवाइड करेगा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा तो ये हमने पढ़ लिया प्राइमरी हीमोस्टेसिस अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोगुलेशन कैस्केड और एंटोथिलियम के फंक्शन को देखेंगे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अल्लाह हाफिज़